एक बार भगवान के अग्र श्रावक महामोगलन जी के दिमाग में विचार आया कि क्या करने से देवलोक में जन्म मिल सकता है। अच्छा, महामोगलन जी के पास ये असीम रिद्धियां और सिद्धियां थी जहां वो सशरीर जा सकते थे, जब चाहे जैसे चाहे देवलोक में, ब्रह्मलोक में, कभी भी। तो महामोगलन जी देवलोक में पहुंचे और उन्होंने पहले देवता से क्वेश्चन किया, तो उसने बताया कि मैंने कोई अपने जीवन में कोई बहुत ज्यादा पूजा अर्चना नहीं करी, कोई दान वगैरह भी नहीं दिया, लेकिन मैंने पूरे जीवन अखंडशील एक सच बोलने का पालन किया है कि मैंने जिंदगी में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, मैंने हमेशा सच बोला है और उस पर्टिकुलर शील के फलस्वरूप बेसिकली मेरा जन्म देवलोक में हुआ। फिर महामोगलन जी ने एक देवी से पूछा कि आपका जन्म कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मेरा पिछला जन्म मनुष्य योनि में एक दासी के रूप में था मेरा, और वहां मेरी जो स्वामी मालकिन थी वो बड़े गुस्से वाले स्वभाव की थी। तो फिर बोली, मैंने अपने मन को वो समझाना शुरू किया और धीरे 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 मैंने पूरा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। तो वो जो मेरा पूरा कंट्रोल था गुस्से का, गुस्से पे जो मैंने पूरा कंट्रोल किया, उसके फलस्वरूप बेसिकली मेरा जन्म देवलोक में हुआ। फिर भगवान ने एक और देव से पूछा, तो उसने बोला कि भाई मैंने भी कभी जीवन भर में पूजा याचना वगैरह नहीं करी, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा जो ये साधु संत लोग होते थे इनको बड़े खुशी से दान दिया और उसके फलस्वरूप बेसिकली मेरा जन्म देवलोक में हुआ। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, साधु संत का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऑरेंज कपड़े या सफेद कपड़े या किसी पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहने हुए हैं। साधु संत का मतलब ये है कि वो लोग जो कि पूरा जीवन शील का जीते हैं और प्रज्ञा के क्षेत्र में काफी आगे हैं। तब महामोगलन ने आके भगवान बुद्ध को सब बातें बताई और भगवान ने कहा, हाँ ये सच है, कोई भी आदमी जैसे अगर पूरे जीवन भर सत्य बोलता है या जिसका क्रोध का नियंत्रण है या साधु संतों को खुशी से दान देता है तो उसके फलस्वरूप देवलोक में जन्म मिल सकता है। अगर कोई आपको और क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई।